अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ इन होम। आई एम टीचर ऑफ क्लास K1 एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर क्लास K1 मैथ्स लेक्चर नंबर 5 बुक वर्क बुक पेज नंबर 38 to 41। आइए बुक पेज नंबर 38 पर लेसन नंबर 5 काउंट द सिंबल्स इन टेंस एंड लर्न द नंबर नेम। जैसे कि हम पहले 2 पेजेस हम कर चुके हैं, 30 तक हम काउंटिंग पहले 2 पेजेस के अंदर हम कर चुके हैं, इसी तरह से आगे वाली भी हमने काउंटिंग जो है वो सीखेंगे। काउंट द ट्राइंगल्स, पहले वाले पेज में हमने देखा कि पहले वाले पेज में हमने सर्कल्स का काउंट किया था, इसी तरह सेकंड पेज में हमने स्क्वायर्स का काउंट किया था, और अब काउंट द ट्राइंगल्स यानी कि अब हमने इन ट्राइंगल्स को काउंट करना है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी समझाया था कि रेड वाले जो ट्राइंगल्स हैं, रेड वाले ट्राइंगल्स जो हैं वो टेंस को शो करते हैं, इसी तरह से ब्लू वाले जो ट्राइंगल्स हैं वो यूनिट्स को शो करते हैं। रेड वाले ट्राइंगल्स का एक 10 का बंडल जो है वो 1 टेंस में 1 कहलाता है, इसी तरह से 2 बंडल्स अगर होंगे तो वो 2 कहलाएंगे, और इसी तरह से 3 बंडल्स होंगे तो यहाँ पर टेंस 3 होंगे। अब आइए रेड ट्राइंगल्स को हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जी हाँ, यहाँ पर 15 के 2 बंडल्स दिए हुए हैं, 15 के 2 बंडल्स यानी कि 30 ट्राइंगल्स। ये रेड ट्राइंगल्स कितनी हैं? 30 ट्राइंगल्स। अगर उनको 10 में डिवाइड किया जाए तो 10 10 के 3 बंडल्स बनेंगे, जिसकी वजह से हमने टेंस में 3 लिखना है। इसी तरह से यूनिट्स को हम काउंट करेंगे, ब्लू वाले जो हैं जैसे जैसे ट्राइंगल्स बढ़ते जाएंगे इसी तरह से यूनिट्स भी बढ़ते जाएंगे, और नंबर हम कैसे बनाएंगे? टेंस और यूनिट्स को मिलाकर हम नंबर्स बनाएंगे, जैसे 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33। इसी तरह से इनके स्पेल्स को हम जब लिखेंगे काउंटिंग इन वर्ड्स में तो हम इनके स्पेल सीखेंगे तो वर्ड्स बन जाएंगे, THIRTY 30, ONE 31, THIRTY 30, TWO 32। इसी तरह से 33 टेंस में है, यूनिट में भी 3 है, तो दोनों को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो 33 नंबर बन जाएगा, और इसके वर्ड्स में हम लिखेंगे इसके स्पेल्स। इसी तरह से आपने सारी काउंटिंग जो है उसको देखना है, सारी काउंटिंग इसी तरह से आपने लर्न करनी है। पेज नंबर 39 पे आइए, एक्सरसाइज राइट द मिसिंग नंबर्स। जिस तरह से हमने पहले पेजेस के अंदर मिसिंग नंबर सीखे थे, इसी तरह से इस वाले पेज के ऊपर भी हम मिसिंग नंबर्स लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चीज़ मिस होगी हम उसकी जगह पर उसको फिल करेंगे। अब आप फर्स्ट वाली लाइन में देखिए, टेंस 3 है, यूनिट 1 है, और नंबर 3, 1, 31, और इसकी वर्ड्स में काउंटिंग नहीं दी गई, तो आपने क्या करना है, इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में यहाँ पर 31 के स्पेल्स राइट करने हैं। इसी तरह से नंबर 2 में भी आपने 32 के स्पेल्स राइट करने हैं। नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसमें 33 के स्पेल्स दिए हुए हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम टेंस लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे और नंबर्स लिखेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर सीख चुके हैं कि टेंस और यूनिट्स हाँ नंबर्स हमने कैसे बनाने हैं। आप इस पेज को फिल करने के लिए इस पेज नंबर 38 की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सारा का सारा फिल किया जा चुका है, आपने इस एक्सरसाइज में मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। जिस तरह से हम पिछले पेजेस कर चुके हैं, इसी तरह से आपने ये वाले पेजेस भी आपने साथ ही कर लेने हैं। पेज नंबर 41 तक आज हमारा बुक वर्क है, इसको हमने कंप्लीट करना है। बिल्कुल जैसे कि पहले हमने ट्राइंगल्स को काउंट किया था, सर्कल्स को और स्क्वेयर्स को काउंट किया था, इसी तरह से यहाँ पर हम स्टार्स को काउंट करेंगे।
रेड वाले स्टार्स जो हैं वो टेंस के लिए हैं, जबकि ब्लू वाले स्टार्स जो हैं वो यूनिट्स के लिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 का वन बंडल हो तो हम टेंस में 1 लिखेंगे, 2 बंडल्स हों तो 2, 3 बंडल्स होंगे यानी 30, तो उसके लिए हम 3 टेंस में लिखेंगे। इसी तरह से 4 बंडल्स जब होंगे तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि स्पेस कम है इसलिए उन्होंने यहाँ पर इकट्ठे सारे के सारे स्टार्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम इनको काउंट करें तो ये 40 स्टार्स बनेंगे। और 40 स्टार्स का मतलब है 10-10 के 4 ग्रुप्स और 4 बंडल्स, इसलिए यहाँ पर 4 राइट किया गया है। और यूनिट्स हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्लू स्टार्स बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे, वैसे ही यूनिट्स भी हमारे इंक्रीज़ होते जाएंगे। और नंबर्स हम जैसा कि पहले जानते हैं कि नंबर्स कैसे बनाने हैं, 41, 41 टेंस और यूनिट्स को मिलाकर नंबर्स बनते हैं। और इनकी अगर हम स्पेल्स लिखेंगे तो काउंटिंग इन वर्ड्स कहलाएगी। इसी तरह से आइए एक्सरसाइज की तरफ, राइट द मिसिंग नंबर्स। अब आप देखिए टेंस, यूनिट्स और नंबर्स और वर्ड्स दिए गए हैं। आपने करना ये है कि जो जगह मिसिंग है उसमें आपने मिसिंग नंबर फिल करना है। फर्स्ट में देखिए 41, 41 यानी यहाँ टेंस भी है, यूनिट्स भी है, नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर क्या मिसिंग है? काउंटिंग इन वर्ड्स। यस, काउंटिंग इन वर्ड्स यानी कि आपने यहाँ पर 41 के स्पेल्स लिखने हैं। इसी तरह से यहाँ पर टेंस और यूनिट्स मिसिंग है, आपने टेंस और यूनिट्स लिखने हैं 4 और 2, जिनको मिलाकर 42 यानी नंबर बना है। और यहाँ पर इसके स्पेल्स लिखेंगे। इसी तरह से आपने बाकी का पेज भी सारा का सारा फिल करना है, इसको नीट एंड क्लीन ज्वाइनिंग राइटिंग में आपने फिल करना है।